नशे के सौदागरों के खिलाफ राजधानी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने दो युवतियों समेत पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी नए साल के जश्न में महंगी पार्टियों में ड्रग्स बेचने की फिराक में थे। आरोपियों के पास से 6.9 ग्राम एमजी ड्रग्स बरामद किया गया है। राजधानी पुलिस ने ड्रग पेडलर प्रखर मरवाहा सहित दो आरोपियों को चार पहिया वाहन में अंबुजा मॉल के पास से दबोचा है। तलाशी लेने पर युवकों के पास से ड्रग्स जब्त की गई। आरोपियों से कड़ी पूछताछ की गई है, जहां आरोपियों ने अपने अन्य दो साथियों के साथ मिलकर ड्रग्स खपाने की बात स्वीकार की है, जिसके बाद आरोपियों की निशानदेही में अन्य दो आरोपियों की पतासाजी कर गिरफ्तार किया गया। जब्त ड्रग्स को एमजी ड्रग्स कहा जाता है और इसकी कीमत तकरीबन 90,000 रुपये बताई गई है। आरोपी ये ड्रग्स को गोवा मुंबई में से मंगवाते थे। पिछले 6 महीनों में ये 3 बार ड्रग्स को मंगवा के खपा चुके हैं। एक सूचना मिली थी कि 3 लोग किसी एक ग्लॉस्टर गाड़ी है उसमें बैठकर अंबुजा मॉल के पास गए हुए हैं और वहां पर ड्रग्स बेचने का प्रयास कर रहे हैं। तो सूचना मिलने पर क्राइम ब्रांच की टीम को और थाना पंडरी की टीम को जो है इसकी तस्दीकी के लिए रवाना किया गया था। और अंबुजा मॉल के पास जिस गाड़ी के बारे में सूचना मिली थी उस गाड़ी को रोका गया और उस गाड़ी पर 3 लोग सवार थे। उस समय 2 व्यक्ति और एक महिला बैठी हुई थी। इन तीनों की जब तलाशी ली गई तो इनके पास से एमडीएमए नामक ड्रग्स मिला है। इनसे लगभग 12 पैकेट वहाँ से ड्रग्स मिला। तो इनकी सूचना के बाद जब इनसे आगे की पूछताछ की गई तो इन्होंने 2 और लोगों का नाम बताया, जिसमें एक का नाम नेहा भगत है और दूसरे का नाम अभय मिर्चे है। और पूर्व में 3 लोगों को जिनको गाड़ियों में पकड़ा गया था उसमें एक का नाम प्रखर मारवा है, दूसरा मोहम्मद आवेश और तीसरा प्रिया स्वर्णकार। तो इनके कब्जे से लगभग 18 पैकेट में 7 ग्राम एमडीएमए जब्त किया गया और एनडीपीएस एक्ट के तहत इसमें आगे की कार्रवाई की जा रही है।